देहरादून के केंद्रीय विश्वविद्यालय में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने की जानकारी दी गई। वहीं एसएसपी की निगरानी में बच्चों ने आग जैसी आपातकालीन स्थिति पर नियंत्रण के गुण सीखे। आज जो है केवी अपर कैंप में फायर सेफ्टी को लेकर एक प्रोग्राम चलाया गया है। इसके लिए पिछले 4 दिन से इनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसमें 9 टीमें बनती हैं जब भी कुछ इस तरीके की इमरजेंसी होती है, जिसमें कि साइट सेफ्टी टीम, मैनेजमेंट टीम, इवैक्यूएशन टीम, फर्स्ट एड टीम, तरह की ट्रांसपोर्ट टीम, जो कि अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को केटर करती है। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे इस बात को समझें और उनकी साइकी में ये बात डाली जाए कि कभी इस प्रकार कि अगर आगजनी की घटना घटती है या आग लगती है बिल्डिंग में, तो किस प्रकार से अपने आप को सेफ रखते हुए बाहर निकलना है और कैसे अपने दोस्तों को भी समय से इवैक्यूएट कराना है। आपको बता दें कि फायर सेफ्टी को लेकर यह प्रोग्राम चलाया गया है और पिछले 4 दिनों से बच्चों को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।